जहां इस बार के इलेक्शंस को लेकर हर किसी में काफी जोश था, वहीं सेलिब्रिटीज भी इस बार सबको वोट के लिए मैसेज देते हुए दिखाई दिए। तो इसी के साथ छठे पड़ाव में हुए मतदान के दिन इन सितारों का लगा तांता। एक के बाद एक ये सभी दिखाई दिए वोट देने आते हुए, जहां इनमें शुमार थे विद्या बालन, सनी देओल, सोनम कपूर, कमल हसन, रजनीकांत, धर्मेंद्र और साथ ही यहां नजर आए और कई सितारे भी। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे इस बार की इलेक्शंस को लेकर। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरी, और उसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि देश में कुछ भी बदले तो ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर कल मुझे किसी भी चीज से दिक्कत हो रही है, अगर मैं किसी पे उंगली उठाना चाहती हूँ तो पहले उंगली पर ये होना बहुत जरूरी है। मैं चेंबूर आती रहूंगी इसी बहाने, वैसे भी आती रहती हूँ। एंड यहाँ हमारा घर है तो एड्रेस है। आई होप टू कीप कमिंग एंड वोटिंग इन चेंबूर। एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड अ स्टेबल गवर्नमेंट एंड वी शुड ऑल एम फॉर इट एंड आई हैव डन माय ड्यूटी, आई एम श्योर शी हैज डन हर्स। मैं सबसे अपील करता हूँ कि हर हिंदुस्तानी अपने घर से निकले और जाके वोट दें। आज यहाँ मुंबई में वोटिंग चल रही है और मेरी पत्नी किरण और मैं, हम दोनों आए हैं, और मैं हर एक हिंदुस्तानी से ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लोकतंत्र का। वैसे तो हमें हमारे लोकतंत्र के साथ हर दिन जुड़े रहना चाहिए, लेकिन ये दिन तो बहुत ख़ास है हम सब के लिए और हर एक हिंदुस्तानी को इसका एक हिस्सा बनना ही चाहिए। और ये एक बार फिर मैं सबसे अपील करता हूँ, मुझे यकीन है कि सब लोग बाहर आएंगे। पिछले दफ़ा मुझे याद है मुंबई में लोग कम निकले थे और मुझे उम्मीद है इस दफा ज्यादा लोग आएंगे। पूछना ही नहीं चाहिए कि कितनी इम्पोर्टेंट है वोटिंग। वोटिंग इज अ मस्ट फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरी इंडियन इफ दे बिलीव इन दिस डेमोक्रेसी। हमने वोट किया है कि आजकल जो लोग आपस में इलेक्शन के दौरान जो इन्होंने एक दूसरे पे कीचड़ उछाला है उसकी कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन मे बी और प्रेस वालों ने जरा उसको, आप लोगों ने ज्यादा उसको एलिवेट कर दिया है तो, लेकिन जो भी हुआ खैर, अब जो भी है जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको फोन किया हमने। ये एक सब मिलजुल के रहें, और क्योंकि हमारा मुल्क जो है इसी तरीके से ही एक बहुत जबरदस्त मुकाम हासिल कर सकता है। समझता हूँ दुनिया भर में इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन को हैंडल करना, इट्स अ ह्यूमंगस जॉब। द वे दे आर डूइंग इट, they deserve our support. Secondly, in Mumbai, past mein aisa hota hai ki hum sunte hain ki log Mumbai ke bahar aake vote nahi karte, aur uski jo ek chhavi bani hui hai usko badle. Main ye kahunga ki kisi bhi age group ke aap log hain, ye hamari commitment hai, hamara farz hai, please come out and vote for your candidate. This election is a very very important election. ये सबके लिए important election है, and it's important कि सब जाके वोट करें। नहीं तो हमेशा जब भी इस देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो सब लोग जाके कभी सड़कों में जाके कैंडल्स जलाते हैं, कभी अलग अलग तरह के अपनी आवाज उठाते हैं। आई थिंक द ईजिएस्ट वे अपनी आवाज उठाने की वोट करने की है। तो ऑल दोज पीपल जब भी कोई प्रॉब्लम होती है और वो जाके कोई पीस मार्च करते हैं या कैंडल जलाते हैं, आई थिंक उस कैंडल से ज्यादा इम्पोर्टेंट आज ये वोट है। सो वोटिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट, ऑल दैट वोटिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड आई रियली होप कि जो यूथ है आज की वो जाके वोट करे, बिकॉज उस यूथ का वोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और स्पेशली विमेन, क्योंकि 49% ऑफ जो इंडिया का वोट है वो औरतों का वोट है। सो आई थिंक औरतों को वोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री। यू नो हम काफी बोलते रहते हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। सो टुडे इज योर डे, आई होप एवरीवन कम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड वोटेड फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट फॉर हु दे थिंक इज फिट इनफ टू रन दिस कंट्री। एंड आई हैव एक्सरसाइज माय राइट एंड आई होप ऑल यू गाइस हैव टू। मैं भी होप कर रही हूँ कि शायद वो इम्प्रूव हो, क्योंकि अगर जैसे मेरे मॉम ने कहा कि अगर हमें बदलाव चाहिए तो हर एक इंसान को अपना वोट देना बहुत ही जरूरी है। तो आई होप कि साउथ बॉम्बे में लोग जागें, जल्दी उठे, निकले घर के बाहर और जाके वोट करें। आई थिंक इन अ डेमोक्रेटिक नेशन ऑफ आवर्स
Every eligible voter must make an effort to vote, and that's the only reason I'm here. देना तो चाहिए ना अगर हम चाहते हैं, इसलिए क्योंकि फिर मैं अगर आप कुछ नहीं आप नहीं करते तो फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है मेरे साथ कंप्लेन करेगा, राइट? इफ यू डोंट वोट यू हैव अ राइट टू कंप्लेन, क्योंकि वी आल्सो पार्ट ऑफ द होल सिस्टम, वी आल्सो हैव टू सिर्फ गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए, हमको भी सही बात हमको खुद को करनी चाहिए ना, ईच एंड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू जो कैमरा लेकर खड़े हैं। क्या मानती है विद्या इस बार हुए चुनावी परिवर्तन के बारे में? हर चीज में हो डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी सेक्युलरिज्म हार्मनी ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। कमल हसन ने कहा कि महंगाई और करप्शन शुरू से ही मुद्दा रहा है। Always will be the major issues because we'll have to put it from the time of Rome to now. Mahangai and corruption have been our problem. We have not been able to do anything about it, and this is high time we do something about it. आईफा को जहां अटेंड करने के लिए कई फिल्मी सितारे गए हैं, तो क्या कहना है इन सब का इसके बारे में? मुझे पता नहीं होता है अवार्ड्स के बारे में, लेकिन चलिए आई होप के वो लोग आके वोट कर पाए थे। क्या होता है कि शायद उनको ये डेट का मालूम नहीं होगा, लेकिन बहुत जरूरी है वोट देना, तो सबने यू सी दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, दे हैव सम कॉन्ट्रैक्ट्स आर डन बाय द पीपल, दे कांट गेट आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। प्रचार इतना जबरदस्त नहीं हुआ कि ये डेट है, तो अब देखिए सवाल देख आपके सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। मुझसे पूछ के तो नहीं गए हैं, सो व्हाई आर यू मेकिंग मी बीट अप माय ओन पीपल फ्रॉम माय ओन कम्युनिटी, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट माय बिजनेस, आई एम सॉरी। ये अवार्ड फंक्शन 6 महीने पहले ये डेट दी गई थी, सो इट्स नॉट फेयर ऑन देम ऑल्सो, एंड इट्स वेरी अनफेयर ऑन यू ऑल टू ट्राई टू बीट देम ऑन इट। वेल आई थिंक इट्स शोन, यू नो पीपल हैव देयर कमिटमेंट्स, उनके कमिटमेंट्स से सो दे लेफ्ट, आई एम नो वन टू जज, यू नो दैट्स आल्सो वर्क, and I'm sure there are other ways of voting, proxy nahi ho sakta aisa, well like I said, you know I'm nobody to judge, I'm here to exercise my right. उनको पहले से सोचना चाहिए था कि वो आईफा का अवार्ड कब है और वोटिंग की डेट कौन सी है, वो छोड़ के भी पता नहीं करना चाहिए पता। इसी के साथ आमिर ने कहा कि हर किसी को वोट करना चाहिए। देखिए हर इलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है, मैं नहीं कहूंगा कि ये इलेक्शन इम्पोर्टेंट है, हर इलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है, और हम सब के लिए ये जरूरी होता है कि हम इसके साथ जुड़े और इसका हिस्सा बने। आई थिंक दैट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरी इंडियन टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, एंड मी कमिंग आउट टू वोट इज माय ड्यूटी एज एन इंडियन। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। गुलजार साहब ने कहा कि नौजवानों का इस इलेक्शन में जोर काफी देखने को मिला। मुझे तो बहुत ज्यादा नजर आए हैं पहले से, और खास तौर पे कि यंगस्टर्स और नौजवान बहुत ज्यादा आए हैं, जो बड़ी खुशी की बात है, और ये लगता है कि हाँ इस स्टेज पे आके वो चाचे तायों से छुट्टी मिली, कम से कम इन नौजवानों ने अपने हाथ में लिया है हिंदुस्तान को और यहाँ की, अब जिम्मेवारी उनके ऊपर है कि हमें किस तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि अब तक तो ठीक है जवाबदेही देने वाले, इसका जवाब देने वाले बुजुर्ग थे सारे, जो लगे चले आ रहे थे हमेशा से, यहाँ से अब आपको शिकायत करनी नहीं चाहिए, और या कोई करे तो इन नौजवानों से करे कि आप हिंदुस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, और खुशी की बात है कि उन्होंने हिंदुस्तान का हाथ पकड़ लिया। और इन्होंने 47 के टाइम को भी याद किया। इम्पोर्टेंट थिंग इन फ्रंट ऑफ मी विच आई बिलीव इन एंड विच माई चिल्ड्रन बिलीव इन इज अगेंस्ट करप्शन एंड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इज अ वेरी वेरी बिग फियर। We have passed through 47. We have seen the partition happening. So those memories have not yet gone. They are there engraved in our minds, in our memories, and we wish that no such thing should ever happen to India again. That any communal sort of differences or fights, or we don't want any more partitions here. That's what it is. Okay. Rishi Kapoor ne to is mauke par kafi alag message diya. अच्छे मौसम में रखें, अच्छे महीने में रखें। इतनी गर्मी में सब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, सब इतने दुखी हैं, तो जो जीते उसे ये बात याद रहे। सोशल मीडिया की आज के टाइम में काफी इम्पोर्टेंस है, ये मानना है प्रीति जिंटा का। यस, सोशल मीडिया इज वेरी इम्पोर्टेंट टुडे, एंड आई थिंक कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है उसकी अभी। सो आई ट्वीटेड बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग जाके वोट करें,
ऑफ कोर्स पहले जब मैंने अपना वोटर कार्ड देखा तो उसमें मेरा नाम गड़बड़ था, पर मुझे फिर बाद में हंसी भी आई क्योंकि किसी ने मुझे मैसेज भेजा कि आपका तो नाम गड़बड़ है, हमारा तो सेक्स ही गड़बड़ हो गया, तो लड़के को लड़की बना दी, लड़की को लड़का बना दिया। बट इट्स फाइन, ये सब चीजें होती है आई थिंक, पर इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप वोट करें समवेयर यू विल सी द डिफरेंस। प्रीति ने कहा कि हर किसी को हक है अपने कैंडिडेट को चुनने का। That go out and protest and that go out and say कि हमको ये problem हो रही है, हमको ऐसा issue है, यही वक्त है protest करने का। वो candles लेके जो लोग protest करते हैं उससे कोई फायदा नहीं होता है, more than a candle it is a vote that is important। और उन्होंने कहा कि मेरा एक concern नहीं, कई concerns हैं। Me as a concern is everything यार in this country, आप देखिए corruption is a big concern, every little thing, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा concern on a national level है, मेरा concern on Bandra level ही ठीक है, you know, I want better facilities, I want better roads, I want better infrastructure, I want security in the country, I don't want 100 bomb blasts happening in the country, I want security as a woman, not just for me but for every other woman, I want better everything, so I think everybody wants that। यूथ की इस बार इलेक्शंस में दिलचस्पी को देखते हुए रणबीर ने भी कुछ यूं कहा। अफसोस की बात है, इफ यूथ हैज कम एंड वोटेड एंड आई होप दैट यू नो दिस चेंजेस, आई डोंट नो व्हाट द कंसेंसस आर, कितने यू नो मिडिल एज लोग आए या यूथ आए, मुझे तो ऐसा लग रहा था इस टाइम के लॉट ऑफ द यूथ इज गोना कम एंड वोट बिकॉज यू कुड हियर अ लॉट ऑफ वॉइसेस, यू कुड हियर अ लॉट ऑफ पीपल यू नो स्पीकिंग देयर माइंड, सो आई थिंक इट्स क्वाइट सैड दैट यू नो इफ दे स्पीक at different platforms but on the day of where it's really you know you're meant to speak and you're meant to exercise your right you don't do it, so it's quite a sad thing that happened। So yahan sabhi sitaron ne apni zimmedari ko pura karte hue matdan kiya aur sabhi ko vote karne ki appeal bhi ki। Entertainment desk se Hardeep Kaur, Day & Night News। Khabron ki duniya mein aaiye hamare sath kahin bhi aur kabhi bhi judiye, hum milenge Facebook par, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए Twitter पर, खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।